नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक करते हैं 5 मिनट में देश के 25 खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में खुलासा। गूगल मैप्स में कोची के करीब अरेबियन सी में नजर आया मिस्टीरियस अंडरवाटर आइसलैंड, सच्चाई का पता लगाने के लिए होगी जांच। एम्स डब्ल्यूएचओ के सर्वे में हुआ खुलासा, तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं। एमपी में कोरोना का पहला डेल्टा वेरिएंट वायरस मिला, महिला ने ली थी वैक्सीन की दोनों डोज। पंजाब में बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक हुए अमरिंदर सिंह और प्रताप बाजवा। नियंत्रण में कोरोना वायरस का संक्रमण, निचले स्तर पर पहुंची पॉजिटिविटी दर, 24 घंटे में मिले 336 नए संक्रमित। ट्विटर इंडिया के एमडी को गाजियाबाद पुलिस का नोटिस, एक हफ्ते के अंदर बुलाया गया थाने। यूपी में डब्ल्यूएचओ के मानक से 9 गुना ज्यादा हो रही कोरोना टेस्ट, प्रतिदिन 3 लाख की हो रही है जांच। बिखरू कांड के आरोपी शिवम दुबे पर लगा एनएसए, विकास दुबे के साथ पुलिसकर्मियों पर बरसाई थी गोलियां। यूपी के सभी मंडलों में मनाया जाएगा विश्व योगा दिवस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर होगा पौधारोपण। कोरोना को लेकर चाइना पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले वायरस से हुई तबाही के लिए हर जाना दे बीजिंग। केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने के फैसले का किया बचाव, कहा अदालतें नियुक्त नहीं कर सकती पीएम। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए जापान में जारी होंगे वैक्सीन पासपोर्ट, जापान सरकार ने दूसरे देशों से इसका पालन करने की दी सलाह। अफ्रीकी देश बोट्सवाना की फिर चमकी किस्मत, तीसरी बार मिला दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूएस का बड़ा ऐलान, दवा बनाने पर खर्च करेगा 23,000 करोड़। भारतीय मैनेजमेंट ने किया फाइनल 11 का ऐलान, फैंस ने दी महामुकाबले की शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, हरियाणा से भी 9 महिला खिलाड़ी होंगी शामिल। पुजारा का उदाहरण देकर दिनेश कार्तिक ने खारिज की टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात। विराट कोहली का विराट बयान, चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को लेकर किया कमेंट। भारतीय महिला टीम बनाम इंग्लैंड के मैच में शेफाली वर्मा ने खेली 96 रनों की पारी। बीएसएफ जवानों के साथ थिरके अक्षय कुमार, दिखाई महिलाओं की ताकत। सलमान खान पहली बार बायोपिक में आएंगे नजर, निभाएंगे ब्लैक टाइगर का किरदार। सलमान खान पहली बार बायोपिक में आएंगे नजर, निभाएंगे ब्लैक टाइगर का किरदार। सोनम कपूर अब अपनी फिल्म ब्लाइंड में जीतेंगी लोगों का दिल, जमकर हो रही तैयारी।
हाईकोर्ट ने फिल्मकार आयशा सुल्ताना की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।